आज ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है अपनी मिल्लत को कि मुर्तद वसीम रिजवी जो ख़िलाफ़ कुरान है और ख़िलाफ़ रसूल है, उस मुर्तद के ख़िलाफ़ हम यहाँ कमिश्नर लखनऊ जनाब डी के ठाकुर साहब से मिले, अपने ऑल इंडिया शिया पसला बोर्ड लीगल विंग उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट जनाब मोहम्मद हैदर जैदी साहब के हमरा, और मोहम्मद हैदर साहब ने ज़बरदस्त तरीके से एक FIR तहरीर की है जिसके ऊपर कमिश्नर साहब ने FIR के आदेश कर दिए हैं और बहुत जल्द इंशाल्लाह ये जेल की सलाखों के पीछे होगा जिसने रसूल इस्लाम की और कुरान पाक की तौहीन करने की कोशिश की है। ज़माना खुद देखेगा कि तौहीन करने वालों का मुंह किस तरीके से काला होता है और इस तरीके के लोग जो कुरान के ख़िलाफ़ हैं, रसूल के ख़िलाफ़ हैं, आले रसूल के ख़िलाफ़ हैं, वो इस दुनिया में भी रुसवा होंगे और आखिरत में भी रुसवा होंगे। आप जैसे कि अभी यासू भाई ने आपको बताया, ये जो FIR कराई है हमने, ये मुर्तद सैयद वसीम रिजवी के ख़िलाफ़ कराई है और इसमें जो जो सेक्शंस हमने लगाए हैं वो 153 ए, 295 ए, 504, 506, 501, 502 और तमाम ऐसे सेक्शंस थे जिसके बारे में सोचा भी नहीं था कि ये भी सेक्शंस इस केस में एप्लीकेबल हैं। लेकिन ये आदमी लगातार कुरान की तौहीन कर रहा है, ये आदमी लगातार रसूल खुदा की तौहीन कर रहा है और शिया की तौहीन कर रहा है। ऐसे आदमी को इसके खिलाफ सख्त से सख्त प्रोसिक्यूशन होना चाहिए और यही सब बातों को लेकर हमने आज मीटिंग करी पुलिस कमिश्नर साहब से, जिन्होंने हमारे एप्लीकेशन पे FIR दर्ज करने का आदेश किया है।